उत्तराखंड आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एमडीडीए के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों में किस पर कार्रवाई की जाए और किस पर ना की जाए, इसे लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। यदि जवाब संतोषजनक मिले तो ठीक, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ताजमहल कंपाउंड के आसपास का जो एरिया है, जो असुरक्षित क्षेत्र घोषित है, जिसमें लोग जो है अनधिकृत निर्माण एक के बाद एक करते जा रहे हैं, उनको बार बार प्राधिकरण द्वारा रोका जा रहा है, उसके बावजूद भी ये रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं।